गुड मॉर्निंग 11th क्लास, अपने चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 5 में प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि चैप्टर 5 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आज बच्चों हम सबसे पहले प्लांट के पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे, तो हम रूट्स को स्टडी करेंगे। बच्चों आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, मॉर्निंग में आप क्लासेज ले लीजिए, दोपहर में आप रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, इवनिंग के समय आप सिटिंग दीजिए अपनी स्टडीज के लिए। तो 4-5 आवर्स आप रोजाना रिवीजन कीजिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है, आप सॉरी साथ साथ में आप, ये भी एक तरीका है कि साथ साथ में जो जो टॉपिक आप समझ रहे हैं तो उन टॉपिक्स को आप पहले एनसीईआरटी से पढ़े और फिर आप एक्स्ट्रा जो भी हम नोट्स दे रहे हैं उनसे पढ़े आप, तो पैरेलल वे में आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। ओके बच्चों, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो ज्यादा आपको बेटर जो है इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने नॉलेज के अंदर, ठीक है। तो पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही एसेंशियल है। ओके, चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 5 है बच्चों मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। बच्चों प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, ये मोस्ट डेवलप प्लांट हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे आर द मोस्ट डेवलप प्लांट ऑफ द अर्थ, और इनमें फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इनमें फ्रूट भी बनते हैं, सीड भी बनते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। जमीन के अंदर जो सबमर्ज्ड पार्ट होता है जनरली प्लांट्स का, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। बच्चों जो रूट्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट। आप चाहे तो रफ कॉपी साथ में रखें और स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है टैप रूट, टैप रूट। टैप रूट जनरली बच्चों डाइकोटिलीडन प्लांट में पाई जाती हैं। बच्चों टाइप्स ऑफ रूट्स में देर आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट वन इज द टैप रूट्स। टैप रूट्स आर जनरली फाउंड इन द डाइकोटिलीडन प्लांट एंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम अ प्राइमरी रूट गेट एमर्जेस। मतलब जो बेस है वहां से प्राइमरी रूट निकलती है जो कि थिक होती है और लंबी होती है। प्राइमरी रूट से फिर लेटरल ब्रांचेस और निकलती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, फिर उनकी जो सब ब्रांचेज हैं उन्हें हम टर्सरी रूट्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो रूट्स पाई जाती हैं दे आर द टैप रूट्स। सेकंड हम लेते हैं फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस
fibrous roots. बच्चों इन रूट्स को देखिए, आप जनरली दीज आर द फाइब्रस रूट्स एंड दीज रूट्स आर जनरली फाउंड इन मोनोकॉटिलीडन प्लांट. दीज रूट्स आर जनरली फाउंड इन मोनोकॉटिलीडन प्लांट एंड जो इनमें प्राइमरी रूट्स होती है दे आर रिड्यूस्ड. जो प्राइमरी रूट्स हैं वो रिड्यूस्ड होती हैं और जो शूट या स्टेम है उसके बेस से कई सारी फाइब्रस रूट्स निकलती हैं. तो ये जो गुच्छा है, ये जो गुच्छा सा है रूट का, दीज आर नोन एज फाइब्रस रूट. ओके बच्चों, और थर्ड हम लेते हैं एडवेंटिटियस रूट. एडवेंटिटियस एडवेंटिटियस रूट. यस बच्चों, नेक्स्ट देखिए एडवेंटी, व्हाट आर द एडवेंटिटियस रूट्स. बच्चों जो एडवेंटिटियस रूट्स हैं वो स्टेम के बेस से ना निकल के प्लांट के किसी और पार्ट से एमर्ज होती है. सो दे आर द एडवेंटिटियस रूट्स. और इनके कई तरीके के फंक्शन होते हैं, एडिशनल सपोर्ट देना, फूड को स्टोर करना, तो मेनी फंक्शन हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स विच आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट. नेक्स्ट लेते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट्स. The next topic is different parts of roots. अब बच्चों मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप साथ में ड्रॉ करना और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रूट के अंदर भी डिफरेंट जोन कौन कौन से हैं, कौन कौन से जोन हैं और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको उस डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा. अच्छी बात यह है बच्चों, इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि पूरा चैप्टर आप डायग्रामेटिकली लर्न कर सकते हैं. इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. डायग्राम के बेसिस आपने अभी देखा कि ये जो टाइप्स ऑफ रूट मैंने बताई, तो इसमें आपको डायग्राम के बेसिस पर ही कॉन्सेप्ट लर्न हो रहा है कि टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है या एडवेंटिटियस रूट क्या है. नेक्स्ट लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट. तो मैं यहाँ रूट के डिफरेंट पार्ट्स ड्रॉ कर रहा हूं.
यस बच्चों, लुक एट द बोर्ड. दिस इज द स्केच ऑफ ए रूट एंड हियर इट शोज द डिफरेंट जोन और रीजंस ऑफ अ रूट. बच्चों जनरली एक रूट का जो एपेक्स पार्ट है वो कवर्ड होता है रूट कैप से. किससे कवर्ड होता है? रूट कैप से. तो रूट कैप को प्रोटेक्शन देती है एपिकल पार्ट को, क्योंकि जो एपिकल पार्ट है ये मेरिस्टमेटिक होता है, तो ये डैमेज ना हो. तो जब रूट सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से ग्रो कर रही होती है तो रूट कैप मेरिस्टमेटिक जोन को प्रोटेक्शन देती है. इस दौरान रूट कैप की आउटर सेल्स डैमेज होती है, लेकिन जो बेसल सेल्स हैं उनके द्वारा वापस से रूट कैप की लेयर बनती रहती है. सेकंड लेते हैं मेरिस्टमेटिक जोन. बच्चों ये जो मेरिस्टमेटिक जोन है इसकी जो सेल्स हैं ये मेरिस्टमेटिक होती है एंड दे कंटिन्यूअसली डिवाइड, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है और न्यू सेल्स बनती है. इससे रूट की ग्रोथ होती है. रूट की क्या होती है? ग्रोथ होती है, लेंथ इंक्रीज होती है. फिर जो सेल्स पुरानी हो जाती है वो डिवीजन करना रोक देती है और वो पीछे की ओर ऐड होती रहती है. जो न्यू सेल्स है वो आगे ऐड होती है, तो इससे रूट की लेंथ बढ़ती है और जो सेल्स ओल्ड हो जाती है वो पीछे ऐड होती रहती है. तो ऐड होने से ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है, इसे हम इलोंगेशन जोन कहते हैं, क्योंकि नई से जो पुरानी सेल्स है इनमें ऐड होती है तो उससे इनकी लंबाई और बढ़ती है. तो दिस वन इज द इलोंगेशन जोन. This is the elongation zone. अब बात करते हैं बच्चों इस जोन की. ये बच्चों रूट हेयर जोन है. इस जोन की जो सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स हैं, वो इलोंगेट हो जाती हैं और यूनिसेलुलर हेयर बनाती हैं, रूट हेयर बनाती हैं. रूट हेयर जोन के द्वारा जो सरफेस एरिया है रूट का वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है. इसके बाद में पीछे का जो जोन है, ये जो पार्ट है, दिस वन इज द मैच्योरेशन जोन. इसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन जोन कहते हैं. ये रिजिड होता है, थिक होता है, हार्ड होता है और आउटर लेयर इसकी पेरिडर्म कहलाती है और ये स्ट्रेंथ देता है स्टेम को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक स्ट्रांग बिल्ड देता है प्लांट को. तो मतलब प्लांट सीधा खड़ा रह पाता है अर्थ के अंदर. तो मैच्योरेशन जोन जो है वो स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. तो बच्चों इस तरीके से एक रूट के अंदर आप देखेंगे अगर, तो रूट कैप, मेरिस्टमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, रूट हेयर जोन एंड मैच्योरेशन जोन, दीज आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ अ रूट. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं रूट के फंक्शंस. बच्चों नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ रूट. आज बच्चों अपन रूट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे. तो प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं? व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस? व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस? बच्चों अगर हम एक रूट की बात करें तो इनके प्राइमरी फंक्शंस की यदि हम बात करें तो मेन काम क्या है कि एनकोरेज करना मतलब एनकोर करना, प्लांट को फिक्स करना सॉइल के अंदर. सेकंड है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना. थर्ड है वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करना. These are the major primary functions of a root. Second, लेते हैं secondary functions.
व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है? बच्चों सेकेंडरी फंक्शंस में जैसे कि रूट के जो मॉडिफिकेशन होते हैं तो उसकी वजह से वो फूड का स्टोरेज करती है रूट, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफिकेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए ये भी सेकेंडरी फंक्शन में आता है, इसके अलावा एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, हॉस्टोरियल रूट के रूप में, पैरासिटिक रूट के रूप में, फोटोसिंथेसिस के लिए भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये सब सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं, कई बार रूट थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है रूट के। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। बच्चों अब हम टैप रूट के मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर द स्टोरेज, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, जो रिजर्व फूड है उसको स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, सबसे पहले लेते हैं कॉनिकल, कॉनिकल आप बच्चों कैरेट को देखा होगा आपने, बच्चों ध्यान से देखिए आप, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। द फर्स्ट इज द फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए, रिजर्व फूड को स्टोर करने के लिए रूट के अंदर, कई प्लांट्स के रूट के अंदर मॉडिफिकेशन पाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको कॉनिकल, कॉनिकल में जो बेसल पार्ट है ये फ्लैसी होता है, ज्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है, फ्लैसी होता है, और जो इसका एक एंड है ये क्या टेपर्ड होता है, ये क्या होता है टेपर्ड होता है, तो इसे हम कॉनिकल शेप में मॉडिफिकेशन कहते हैं रूट का। यहाँ पर बच्चों देखिए ये कैरेट का मैंने स्केच बनाया है, ये रिड्यूस्ड लीव्स हैं और ये रिड्यूस्ड स्टेम है और ये जो है ये रूट है, ये क्या है रूट है। तो इस शेप की जो रूट है इन्हें हम क्या कहते हैं कॉनिकल रूट कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों कॉनिकल रूट्स कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब सेकेंड टाइप लेते हैं फ्यूजी फॉर्म, सेकेंड इज द फ्यूजी फॉर्म। बच्चों इस डायग्राम को देखिए आप कि अगर कोई रूट दोनों एंड से टेपर्ड है, दोनों एंड से टेपर्ड है और मिड पार्ट से स्वेल्ड है, मिड पार्ट में स्वेल्ड है, फ्लैसी है, मोटी है, तो फिर ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं फ्यूजी फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं फ्यूजी फॉर्म रूट कहते हैं। थर्ड बच्चों
जो टाइप है स्टोरेज ऑफ फूड में वो है नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म। बच्चों नैपी फॉर्म जो रूट्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, फूड को स्टोर करके स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन इनका जो एक एंड है ये टेपर्ड होता है एकदम, जो ये वाला जो पार्ट है, तो इस तरीके की शेप अगर रूट्स में होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, नैपी फॉर्म रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नैपी फॉर्म रूट्स कहते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। सेकेंड इसका फोर्थ पार्ट है ट्यूबरस। इसका मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसका नाम से ही पता चल रहा है ट्यूबरस रूट। बच्चों जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, इनके अंदर कोई शेप फिक्स नहीं होती है। डिफरेंट जगहों पर फूड के स्टोरेज की वजह से डिफरेंट तरीके की इनकी शेप होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबरस रूट कहते हैं। ये तो था फर्स्ट पार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। अब मैं सेकंड बता रहा हूं नोड्यूलेटेड, नोड्यूलेटेड रूट, नोड्यूलेटेड रूट। ओके, बच्चों आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में सुना होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स में, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर के, उनकी जो रूट्स हैं उनके ऊपर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमोस्फियर की फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर अमोनिया से वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है नाइट्रोजन का, एंड वो इजीली एब्जॉर्बेबल होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है नाइट्रोजन, और फिर उसको प्लांट के अंदर एसिमिलेट किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के अंदर नोड्यूलेटेड जो रूट्स हैं वो आप देख पाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम रेस्पिरेटरी रूट। द नेक्स्ट इज थर्ड जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट तो
हाँ, 11th क्लास, लुक एट द बोर्ड, इस डायग्राम को देखिए बच्चों। कई बार क्या होता है, समुद्र के जो किनारे हैं, जो सी शोर हैं, वहां पर दलदली जमीन होती है, मार्शी लैंड होती है, स्वैम्पी एरियाज होते हैं, सलाइन कंडीशंस हो सकती हैं, तो वहां पर क्या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती प्लांट की रूट्स को। तो उस कंडीशन में ये जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स हैं, ये वापस से ग्रो करके बाहर निकलती है, अपनी सरफेस से एमर्ज होती है, और इन रूट्स के ऊपर छेद पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिन्हें लेंटी सेल्स कहते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ लेंटी सेल्स दे रेस्पायर। वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द ऑक्सीजन, फॉर द गैसियस एक्सचेंज, कई बार प्लांट्स में रूट का रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी रूट, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, ये तो पार्ट हो गया, ये मैंने समझाया आपको टैप रूट का मॉडिफिकेशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट। जो एडवेंटिटियस रूट है उनका मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट। अब बच्चों बात करते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट में, फॉर द फूड स्टोरेज, फॉर द फूड स्टोरेज। इसमें बच्चों फर्स्ट टाइप है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट डायग्रामेटिकली बताऊंगा इसको। ये जो शेप है बच्चों, ये ट्यूबरस रूट के, जनरली स्वीट पोटेटो आपने देखा होगा। अब ध्यान रखना, स्वीट पोटेटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वो क्या है, मॉडिफाइड रूट है, जबकि जो पोटेटो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो स्वीट पोटेटो की जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ट्यूबरस होती है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, सेकेंड हम लेते हैं इसमें फैसिक्यूलेटेड। फैसिक्यूलेटेड रूट। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से कि अगर ट्यूबरस रूट, अगर जो स्टेम के बेस से कई सारी ट्यूबरस रूट इस तरीके से पाई जाती है, तो फिर इन्हें हम फैसिक्यूलेटेड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिक्यूलेटेड रूट कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट लेते हैं हम पामेट। थर्ड जो टाइप है वो है पामेट ट्यूबरस रूट। पामेट ट्यूबरस
पामेट ट्यूबरस रूट। ये भी इंटरेस्टिंग है बच्चों, कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है इनमें कि पाम लाइक रूट हो जाती है, इनकी जो रूट होती है वो क्या हो जाती है, पाम लाइक हो जाती है। स्केच देखिए आप, इस तरीके से जो फैली हुई सी पाम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, पामेट रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पामेट रूट्स कहते हैं। ओके बच्चों, हाँ बच्चों, इसमें और भी कई सारे रूट के मॉडिफिकेशंस हैं, ओके, जिनको हम मंडे की क्लास में करेंगे। आज इतना ही, अगर आपको कोई कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं।